हेलो और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं निशांत पुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गाइड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन फॉर्म निकल चुके और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कब कौन सी उसकी लास्ट डेट रहेगी और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के दौरान आपको दूंगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, एपीएस दक्षा, इन सभी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक सही समय पर पहुंच के, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जैसा कि आपको पता है, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और जहां पर बच्चों को फौजी तरतीब वार उनकी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ वहां पर शिक्षा बल्कि वहां पर शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अगर आपका एम है, आपका लक्ष्य है कि आप भी डिफेंस फोर्सेस में एज ऑफिसर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ज्वाइन करें, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जरूर एडमिशन लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो बच्चे क्लास 5 में, वो क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे क्लास 7 या 8 में, वो क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। दो ही स्टेजेस के ऊपर यहाँ पर एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एक क्लास 6 में और एक क्लास 9th में। जो बच्चे अभी 2022, जो अगले साल चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले, तो अभी उसका फॉर्म अप्लाई करें। लास्ट डेट जाने वाली है, तो इसको मैं चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो। आपने करना क्या है कि अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आपने इंतजार नहीं करना कि अगर बगैर तैयारी के हम वहां हो जाए या फिर कुछ और, मतलब ऐसा हो कि भाई हम वहां पर डायरेक्ट एडमिशन। तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, काफी कॉम्पिटिशन होता है और जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए तो हमारे फटाफट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि 3 महीने का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी सेक्टर 13 हिसार के अंदर। तो आपने करना क्या, मिलिट्री स्कूल एडमिशन 2022-2023, जैसे ही आप गूगल पे जाके इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने www.rashtriyamilitaryschool.edu.in के वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मुझे लगता है आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। ओके, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने मिलिट्री स्कूल की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो आपने करना क्या है, साइड में देखिएगा सीईटी, इसका कॉर्नर पे यहाँ चल रहा है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी मतलब कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। सभी स्कूल्स के लिए, जितने 5 स्कूल हैं उनके लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो आप इसके ऊपर सीईटी का नोटिस आ रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 और 9। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ जैसे पेज ओपन होता है तो आपने सीईटी एग्जाम 2022 के लिए अप्लाई करना है और क्लिक हेयर के ऊपर आप जाएंगे। देखिएगा इसमें कंप्लीट ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए, इनको आप रीड आउट जरूर कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, किसी प्रकार से कोई आप ऑफलाइन, पहले होता था कि ऑफलाइन फॉर्म भेजे जाते थे, अभी सिर्फ ऑनलाइन का ही एक मोड है जहां पर आप अपने, हाँ कुछ एक बच्चों का कुछ एक पेरेंट्स मेरे से बार बार पूछते कि सर क्या मिलिट्री स्कूल सिर्फ फौजी आर्मी पर्सन के लिए ही है या फिर कोई और भी अप्लाई कर सकता है। देखिए इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कि जो पर्सन है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनका थोड़ा सा कोटा ज्यादा होता है। बाकी सिविलियंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो सीट्स होती है वो तो कुछ कम होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिविलियन अप्लाई नहीं कर सकते, सिविलियन भी अप्लाई कर सकते, किसी भी डिपार्टमेंट में आप इस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे।
तो क्लिक हेयर के ऊपर आप जाइएगा और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हेयर जाते हैं तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरा इसकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, आरएमएस कहाँ कहाँ पर है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इसका एग्जाम काफी लेट कंडक्ट हुआ था, मतलब अगस्त में, जो अभी 2021 में जो बच्चों ने एडमिशन लिया ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन होते होते अगस्त तक चला गया था, लेकिन अभी ये फेब में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास में बहुत कम समय, नियर अबाउट 2 महीने का टाइम रह गया है, आपने फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर देनी। जो बच्चे दूर बैठे, जो आ नहीं सकते हिसार में, अभी आ नहीं सकते, वो बच्चे अपनी बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करें और हमारे यहाँ से कुरियर सर्विसेज के द्वारा आपको कंप्लीट बुक का सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको पहुंच जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्ट, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, डेट निकलने से पहले फॉर्म अप्लाई जरूर करें। और कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमें तो अपने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस में नहीं भेजना, तो हम इस फॉर्म को अप्लाई क्यों करो। देखिए कि जब आपका बच्चा अगर इस स्टेज में यहाँ पर एडमिशन एक बार फेस कोई भी एक इंडिया लेवल का अगर एग्जाम को फेस करता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बिल्ट अप हो जाता है। तो ये आपको मौका नहीं खोना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।